हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हाइट मैनिफेस्ट सक्सेस स्टोरी। ये उस इंसान की सक्सेस स्टोरी है जिन्होंने 40 साल की एज में ये प्रूफ कर दिखाया कि हम चाहे किसी भी एज में हो, अगर हमारा बिलीव है खुद पर, तो हम कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है उनका नाम है अमर। और अमर जो है क्या सर नेम वगैरह लिखते हैं मुझे नहीं पता, बस उन्होंने अमर नाम से सेंड किया है सक्सेस स्टोरी को। और उन्होंने अपनी 40 साल की एज में हाइट को मैनिफेस्ट किया है। तो कितनी बिग सक्सेस स्टोरी है, सच में मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारा आपको। और मैं चाहूँगी आप सब भी बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करें, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए दूसरों को भी दे तो वो कई गुना होकर आपके पास लौट कर आएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेट करना और थैंक यू यूनिवर्स के साथ अपने 3 विशेष कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो चलिए इनकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं इनके बारे में कुछ थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहूँगी। इन्होंने जो है अमर ने, ठीक है, 40 साल की एज में अपनी हाइट को मैनिफेस्ट किया है। साथ ही साथ पहले इनकी हाइट 4 फीट 1 इंच थी और अभी इनकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। मैं ये सब इसलिए बताती हूँ क्योंकि कई लोग फिर बाद में पूछेंगे कि मैम उसकी पहले की हाइट कितनी थी, अभी की हाइट कितनी है। तो ये सब क्वेश्चन मतलब बाद में पूछने से अच्छा है मैं पूरा डिटेल बताना पसंद करूँगी, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ और अच्छा भी लगेगा जब आपको पूरी डिटेल पता चलेगी तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमर लिखते हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ का बेस्ट दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे सक्सेस स्टोरी अपलोड करने में। और भगवान का, यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी हाइट को बढ़ा दिया। मैं तो हार ही मान चुका था क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड शो करूं यूनिवर्स को। मैं जो हूँ, मेरी हाइट बहुत कम थी, 4 फीट 1 इंच, तो लोग मुझे बौना बौना करके चिढ़ाते थे। मतलब मेरी ज़िंदगी मानो नर्क से भी बदतर हो गई थी, क्योंकि इतनी एज में जो है मेरी हाइट तो बढ़ी नहीं, लेकिन शादी भी नहीं हो रही थी मेरी। और कई लोग तो ये भी बोलते थे कि इसको सर्कस में ले जाओ और जो है वहाँ पर नाच गाना कराओगे तो इसको 2-4 पैसे भी मिल जाएंगे। इतना मतलब मुझको मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदतर हो गई थी और मेरी हाइट बिल्कुल बढ़ नहीं पा रही थी, रुक गई थी। फिर उसके बाद मैं अपने आप को ही कोसने लगा था, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा मतलब कहने के लायक कुछ था ही नहीं। कोई भी मुझसे पूछता कि कैसे हो, क्या चल रहा है, तो मेरी लाइफ में कुछ उसको रिप्लाई देने के लिए कुछ वर्ड नहीं होते थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे मैं बोल सकूं कि हाँ सब ठीक है, क्योंकि मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गया था और मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर से ही ना निकलूँ, लोगों की बातों को भी ना सुनूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि मेरी हाइट बढ़ ही नहीं पा रही थी, ना ही मेरी शादी भी नहीं हुई थी और ना ही मैं स्टडीज़ भी नहीं कर पाया, क्योंकि जो है मैं लगभग 9वीं 10वीं पढ़ा, मतलब 10th तक, फिर उसके बाद मैं नहीं पढ़ा, क्योंकि लोगों के जो चिढ़ाने से मतलब और मतलब जो आसपास के माहौल से मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया था और मेरी पढ़ाई पर असर पड़ा, मेरे ऊपर असर पड़ा सारा कुछ। तो मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग से ही मेरी हाइट बहुत कम थी, फिर उसके बाद एज के साथ सिर्फ 4 फीट 1 इंच हुई, उसके बाद रुक गई। फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं, लेकिन मेरे पास कुछ रास्ता भी नहीं है। लेकिन फिर मुझे पता चला जब मैं 36-37 के आसपास मेरी एज हुई, तब वहाँ पर मुझे पता चला कि लव अट्रैक्शन एक टेक्निक होती है जिसके हेल्प से हम जो है अपनी हाइट को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब जो है हाइट बढ़ सकती है हमारी चाहे कोई भी एज हो। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपनी हाइट को मैनिफेस्ट करूँ। फिर उसके बाद मैंने हार कर नहीं देखा, पीछे बिल्कुल भी नहीं देखा, मुझे तो आगे बढ़ना ही था और मुझे तो हाइट को मैनिफेस्ट करना ही था, चाहे लोग कुछ भी कहे या मेरा दिल भी कुछ भी कहे। लेकिन मेरा दिल मेरा साथ दे रहा था, मेरा दिमाग, मेरी बॉडी की हर एक पार्ट, सब कुछ मेरा साथ दे रहा था। और फिर मैंने वैसा ही किया जैसे मैंने वीडियोज़ में देखा। मैंने देखा कि हमें सबसे पहले अपनी हाइट को कितना चाहिए ये लिखना है, फिर उसके बाद हमें उस चीज़ को विजुलाइज़ करना है, एक्ट करना है कि जैसे हमारी हाइट बढ़ गई है और हम अपने मनचाही लाइफ को जी रहे हैं।
फिर उसके बाद यूनिवर्स पर छोड़ देना है। तो यही चीज़ मैंने किया और सच में बिलीव मी मेरी हाइट 100% मैनिफेस्ट हो गई। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था और मेरी हाइट 40 के एज तक आज तक मतलब मेरी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है 5 फीट 6 इंच और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी हाइट मुझे मिल चुकी है। मैंने इस चीज़ को लगभग 3-4 महीने किए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया और फिर मैंने बस अपने आप को खुशी महसूस करना स्टार्ट कर दिया। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरी हाइट बढ़ चुकी है, लोग मुझे तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कमेंट सुनकर। बाकी सारी चीज़ों को मैंने बस ऐसे ही विजुलाइज़ किया खुशी खुशी और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी हाइट बढ़ गई मैजिकली और मैंने फिर हार कर पीछे नहीं मतलब दोबारा नहीं मुड़ा। मेरी लाइफ तो बस आगे ही बढ़ती चली गई और आज मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ बहुत 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 ज़्यादा। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स टू मी, क्योंकि मेरे दिल ने भी मेरा पूरा साथ दिया, हार नहीं माना। तो मैं खुद को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यूनिवर्स को भी और इस ब्रह्मांड को एंड उस वीडियो को भी जिसके हेल्प से मैंने ये हाइट को मैनिफेस्ट किया है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच दी। तो देखा आपने किस तरह से अमन ने अपनी हाइट को मैनिफेस्ट किया है 40 साल की एज में 4 फीट 1 इंच के लिए, है ना। 4 फीट 1 इंच हाइट थी उनकी और उनकी डिज़ायर्ड हाइट 5 फीट 6 इंच जो कि उनको मिल चुकी है, ठीक है। तो ये होती है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, पावर ऑफ बिलीव, ठीक है। जब आप खुद से हार नहीं मानते, खुद को आप बिलीव दे देते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हार नहीं मानेंगे, आप में सब कुछ करने का टैलेंट है, आप सब कुछ कर सकते हो, तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको ईजिली वो चीज़ मिल जाती है जो आप पाना चाहते हो। चाहे कई लोग बोलते हैं ना मतलब ये बड़ी रकम है तो इसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये बड़ा चीज़ है तो इसको मैनिफेस्ट नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप छोटे से चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो तो वो क्या चीज़ है, वो भी आपको मैनिफेस्ट होगा, 100% मिलेगा। तो आप अगर बिलीव नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा। बिलीव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बिलीव करो कि ये चीज़ मेरी हो चुकी है, बहुत अच्छी है, बहुत लाइफ मेरी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ, सब कुछ उस लाइफ को जो जीना चाहते हो उसको अभी जियो रियलिटी में, ठीक है, खुश होकर हैप्पी होकर उस चीज़ को फील करो तो 100% मैनिफेस्ट होगा, ओके। तो जो मैंने जो है प्रोसेस बताया सेम आपको वैसे ही करना है, अगर आप ऐसे ही करते हैं तो आपको 100% वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है इतना मतलब मुसीबतों का सामना किया, देखो इतना मतलब कमेंट को, लोगों की जो बातें होती है ना कमेंट, उसको सुनना बहुत बड़ी बात होती है और ये सिर्फ वही कर सकता है जिसका सीना ना बिल्कुल बहुत बड़ा हो, मतलब जो दिल है ना, दिल जो सहने की क्षमता है वो बहुत बड़ी होती है, वहीं से मतलब वही इंसान ये सब चीज़ जो है कर सकता है, सह सकता है, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, बिल्कुल ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना एंड कमेंट बॉक्स में अपनी 3 विशेस ज़रूर लिखना, ठीक है। और थैंक यू यूनिवर्स के साथ, और जो है हाइट से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना हो, कुछ बात जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना और अपने आप को जो है प्यार ज़रूर करना, ठीक है। आप अगर खुद को प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। चाहे कोई आपको बोलता है ना कि तुम इस ड्रेस में अच्छी नहीं लगती, चाहे कुछ भी में, तो आप खुद को बोलो मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।